अस्सलामुअलैकुम सामी। तो एक बार फिर मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन से कैमरामैन मुर्तजा अली के साथ। तो द्रास ऑनलाइन का जो इनिशिएटिव रहता है, हमेशा कुछ नए वीडियोस, नई इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ सामी, तो आपके सामने जो अभी आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं, इनके इरादे इतने बुलंद हैं, ये आज ऐसी एक फ्रूटफुल मैसेज आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। मैं इन लोगों का इंट्रोडक्शन करूंगा हमारे नाज़रीन को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मैं कहूंगा सारे जहां से अच्छा है एक फाउंडेशन है, जिसका एक मैसेज ये है कि जो हम ये फूक कहते हैं, जिसको हम स्प्रिट कहते हैं, वो कहीं पे ना फैलाए इसी तरह। इसी के चलते, क्योंकि ये बहुत ही माइनर एक मैसेज लेके आ रहे हैं, छोटा सा है लेकिन धूप, लेकिन इसका जो नतायज है, जिसके हम कहेंगे इसके डिमेरिट्स हैं, बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों का एक बार फिर द्रास ऑनलाइन की टीम की तरफ से बहुत बहुत वेलकम। सो राजा और मैं प्रीति, हम आ रहे हैं सारे जहाँ से अच्छा फाउंडेशन पुणे से। 32,000 किलोमीटर हम ऑल ओवर इंडिया कवर कर चुके हैं, अलग अलग फेजेस में अलग अलग स्टेट्स कवर कर चुके हैं। और मैसेज क्या है? थूक से बचें, ना थूकें ना दूसरों को थूकने दें। पब्लिक प्लेस और सार्वजनिक स्थानों को अपने घर और अपने शरीर जैसे साफ सुथरा रखें। बाहर की जगह को ये ना समझे कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वहां भी हमें स्वस्थ और साफ रखनी है जगह। तो बस यही छोटा सा मैसेज है, छोटी सी गंदी आदत को बदलें और देखें आपका कंट्री, हमारा कंट्री कितना स्वस्थ और साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये छोटी सी मैसेज है लेकिन बहुत बड़ी वेरियबल मैसेज है। सर, ये जो आपका जो सफर रहा है पूरे, हम कहेंगे आपका जो मिशन है पूरा इंडिया नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मिशन लेके चल रहे हो। थूक जो है, जिसको हम हमारे जो सीना जबान में थूकी छोड़ो, ये थूक जो है ये लोगों की नजरों में नहीं आती है। तो इसको किस तरह हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट, जिस तरह बाकी का कचरा जो है ये है हमारे नजरों में आता है, लेकिन थूक हमारे नजरों में क्यों नहीं आता? सही बात है, एकदम पक्की बात बोलिए। जो हम लोग गंदगी देखते हैं, दो चीज में देखते हैं, एक है जो सूखा कचरा और एक है गीला गीला कचरा। बिल्कुल, अब देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान में भी इसको लेके ज्यादा चर्चा होता है, इसको लेके लोग सर्वे करते हैं, जो सर्वेक्षण बोलते हैं, लेकिन थूक उसमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज हमें अपने आप से महसूस करना पड़ेगा कि ये जो थूक जहाँ पे दिख रहे वो भी एक गंदगी है। और यहाँ तो मैं जो देख रहा हूँ लेह लद्दाख कारगिल में उतना ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आप बाकी जहाँ जाते हैं तो रास्ते में आप देखेंगे लाल लाल निशान, दीवारों पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो सीढ़ियाँ हैं दीवारों पे लाल लाल निशान, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो ये पान और गुटखा जो भी बेच रहा है हम लोग उनसे खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है अपने मजे के लिए हम लोग खा रहे हैं, लेकिन जब इसको जो हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन जो होता है यूरिन और स्टूल, उसी हिसाब से इसको भी समझना चाहिए। और जो हम लोग ऐसे खड़े देखते रह जाएंगे कभी ये बंद नहीं हो। तो हम लोग 10-12 साल पहले ये हम लोग जो मूवमेंट चालू किए हैं, आज इतने दूर तक ले आए, तो इसके लिए मतलब जितने भी संस्था है हमारे साथ दिए, तो इनके लिए हम लोग जरूर थैंक यू बोलना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो हम लोग ये चीज़ ये हैबिट जो है, ये अगर हम लोग इसको ख़त्म नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बीमारी के क्या बोलते हैं सामना करना पड़ेगा। जैसे टीवी तो चल ही रहा लास्ट इतने सालों से, कोविड आके थोड़ा हिला के गया, लेकिन इसमें भी हम लोग कोई सबक नहीं सीखे। तो यही है जो हम लोग बिल्कुल इसको लेके जर्नी कर रहे हैं, सबक सीखने की जरूरत है। आखिरी सवाल है मैम आपसे कि अब लोगों के जो हमारे नाज़रीन अभी देख रहे हैं हम लोगों को, तो उनके दिमाग में एक सवाल आ गया, थूकेंगे तो थूकेंगे कहाँ? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। अब थूकेंगे तो किस जगह पे थूकें, एक चीज़ बड़ा एक कारण है। तो इनको समझ तो आया कि इस चीज़ से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो कहाँ पे थूकें, किस तरह पे, ये थोड़ा हमारे जो भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको आप बताएं। एकदम सही सवाल पूछा सलीम आपने, क्योंकि थूक अब इतनी हमारी नॉर्मल सी हैबिट बन गई है, हम दो बार सोचते नहीं है। तो अब अगर मैं कहूंगी ना थूकें तो बोलेंगे तो फिर हम कहाँ थूकें? मेरी ड्यूटी है, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिसमैन हूँ, मैं पूरा दिन धूल मिट्टी में हूँ,
कोई बोलेगा कि मैं तो सब्जी मार्केट में पूरा दिन बैठता हूँ, थूकने की इच्छा होती है तो कहाँ थूके। तो मैं यहाँ बोलूंगी थोड़ा सा 2 सेकंड का पॉज लें, सोचें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश करें। यहाँ मैं आपको इंटरेक्ट करूंगा सर, और मुझे भी आज एक आपकी बात याद आ गई, और कुछ लोगों को जो अभी हमें देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनको जब हम पहले हमारे माँ बाप हमें सिखाया जाता था थूकने के बाद ऊपर मिट्टी लगाएंगे, उस तरह का जो कंसेप्ट है मुझे लगता आज नहीं है। बिल्कुल आज है ही नहीं, और पहले तो स्पिटून हमें मिलते थे जो सैंड बकेट्स होते थे तो हम उसमें थूक सकते थे, आजकल वो भी नहीं है। तो कोशिश करके पहली बात मैं बोलूंगी कंट्रोल करें, थूके ही ना, क्यों थूकेंगे हम सार्वजनिक स्थान पे। जैसे हम यूरिन नहीं कर सकते इधर उधर, सब जगह नो स्मोकिंग बोर्ड है, हम स्मोक नहीं कर सकते, उस तरह हमें थूकना भी नहीं चाहिए। तो मगर फिर भी जैसे मैंने आपको कहा, बहुत है जो सब्जी वेंडर्स हैं, हमारे सड़क पे काम करने वाले लोग हैं, उनको थूकने का मन करे, पहली चीज है डस्टबिन में थूके, दूसरा है वॉशरूम में थूके, बाथरूम में थूके, और तीसरी चीज है अगर ये सब भी ना मिले आपको डस्टबिन और वॉशरूम, तो जो सड़क के किनारे ड्रेनेज है, नाली है, वहां थूके, या जो सूखी मिट्टी और बालू है सड़क के किनारे सिर्फ उस पे थूके, क्योंकि वहां ना कोई चल रहा है, ना किसी के जूते चप्पल जाएंगे, ना गाड़ियों के टायर जाएंगे, और ना ही हमारे बच्चे वहां खेलते हैं। तो बहुत सोच समझ के दूसरों के बारे में उसी जगह पे थूके जहाँ पे वो कीटाणु हमारे घर तक ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे आखिरी सवाल है, तो क्या कर सकते हैं, कौन से मेजर हम स्टेप ले सकते हैं, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे यूटी लद्दाख, हम इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर कौन कौन से स्टेप, जैसे जो बोर्डिंग्स करवा सकते हैं, होर्डिंग्स करवा सकते हैं, तो क्या मेजर स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि स्प्लिट को थोड़ा कम से कम कर लें। हम लोग जितने भी सर्वे किए हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, तो अमेरिका में भी ये था पहले, और वो लोग शायद 60 साल तक, मतलब 6 decades वो लोग इसके लेके वो लोग प्रोग्राम बनाए, फिर जाके बंद हुआ। फिर आप बाहर दूसरे कोई भी देश में देखें जो अभी डेवलप कंट्रीज हैं, इसको लेके बहुत रिसर्च की है। अभी इंडिया का जो सिचुएशन है, एक जो हम लोग सोच रहे हैं ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ये म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। तो एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पुश और पुल दोनों एक साथ होना चाहिए। पुश और पुल का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो म्यूनिसिपैलिटी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, इनको पुश करना चाहिए, और पुल मतलब हम जैसे नागरिक, हम जैसे सिटीजन्स, एक कंट्रोल रखना है कि मैं ये क्यों करूं, ये मेरा देश है, मुझे इसको साफ रखना है। मैं जैसे अपने घर साफ रखता हूं, मैं अपना टाउन, अपना सिटी, अपना आसपास जो नेबरहुड क्यों साफ नहीं रख सकता। मैं जब बाहर जाता हूं, बाहर जाके तारीफ करता हूँ, अरे इतना साफ सुंदर शहर है, इतना साफ सुथरा देश है, और वो लोग इतना कैसे साफ करते हैं। मैं जब वापस आता हूँ फिर चालू कर देता हूँ। ये चीज हमारे दिल के अंदर आना चाहिए कि मैं ये चीज नहीं करूँगा, ये पुश और पुल से ही होगा, और मतलब हम लोग अगर सोच रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से ही से होना चाहिए, ये नहीं होना। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा मतलब जो मैं देख रहा हूँ, जो बाकी सब जगह पे ऐसे ही हुआ है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। मैं यहाँ बस ऐड करूंगी, जो पुश वाला जगह है तो वहां पे गवर्नमेंट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो मैंने जैसे कहा कि नो चूइंग एंड नो स्पिटिंग जोन बनाए, जैसे नो स्मोकिंग जोन्स बनाए गए हैं, और दूसरा फाइन जरूर रखें। जब पहली बार किसी को फाइन पड़ती है और उसे अपनी पॉकेट से निकालना पड़ता है, तब वो एक डर बैठ जाता है। दूसरा है जगह जगह साइन बोर्ड लगाए कि मास्क पहनने का सब जगह बोर्ड है, लेकिन मास्क नीचे करके ना थूके वो बोर्ड कहीं नहीं है, तो जरूर ऐसे बोर्ड्स भी लगाएं, क्योंकि तो कुछ ऐसे नागरिक हैं जो नहीं जानते हैं इसमें बीमारी है। तो ये सही तरीके का अवेयरनेस और मैसेज जरूर सबके पास पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो आज का मैसेज, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने बनाने की कोशिश की, खासकर थूक के रिलेटेड, तो हम सबको ये आहत करना चाहिए, ये वादा है कि जिस तरह हम अपने घर की सफाई रखते हैं, जिस तरह अपने हम अपने आप की सफाई रखते हैं, तो इसी तरह हमें अपने माहौल की भी सफाई रखने की ज़रूरत है, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं सिर्फ कूड़ा करकट की या गार्बेज की, लेकिन ये थूक जो है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, थूक भी जो है जो कचरा जो है उससे भी बड़ा वर्स्ट थिंग है, क्योंकि बहुत बहुत सारी बीमारियां जो है इस थूक से फैलती है। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसी तरह नई वीडियो के साथ हम और आएंगे, नई नई वीडियो, नए नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ड्रास ऑनलाइन के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।